जैन धर्म का जो मूलभूत सिद्धांत है वो है त्याग का। जैन संत जो हैं वो त्याग की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। आप जिस मार्ग से जैन धर्म की प्रभावना बढ़ा रहे हैं, आपका प्रभावना बढ़ाने का बहुत बड़ा श्रेय आपको जाता है कि आपने जैन धर्म की प्रभावना विश्व तक फैलाई। ललित जी, बात प्रभावना की नहीं है, ये जो हमने त्याग की परिभाषा जो गढ़ दी है ना, ये तीर्थंकर महावीर द्वारा दी हुई परिभाषा नहीं है। महावीर की दृष्टि के अनुसार सिद्धत्व का संबंध न देश से है न वेश से है। वो कहते हैं तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, गृहलिंग सिद्ध। जैन दर्शन भावना प्रधान है। हमारे यहां पर यह कहा गया कि जब तक बाहुबली ने सब कुछ त्याग भी, तपस्या भी की, ध्यान भी किया, कवियों ने कल्पना की कि बिजली के खंभे की तरह अड़िकम खड़े रहे, किंतु जब तक भीतर का अहंकार का शल्य खत्म नहीं हुआ, जब ब्राह्मी और सुंदरी आकर के कहती है वीरा मारा गस्सू उतरो, और जो ही वो छोटे भाइयों को नमन करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, साध्य को प्राप्त कर लिया। मरुदेवी माता हाथी के होदे पर है, आदिसर भगवान के दर्शन करने गई है, किंतु भीतर की भावधारा इतनी पवित्र निर्मल हुई कि वहां पर उन्होंने जो है सब कुछ पा लिया। तो मैं फिर कहना चाहूंगा, हमने जो ये चीजें गढ़ ली है, मैला पहना तो त्यागी, नहीं पहना तो त्यागी, पहना तो कम त्यागी, नो, त्याग केवल जो है कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे, जहां आसक्ति मुक्ति है, जहां राग द्वेष की मुक्ति है तो त्यागी है, और नहीं तो लोकेश मुनि स्वयं हिमालय की कंदराओं में जाकर के क्यों न बैठ जाए, सारे वस्त्र उतार करके, अगर उनके भीतर कषाय है, उनके भीतर आसक्ति है, उनके भीतर मोह है, उनके भीतर राग द्वेष है, वो त्यागी नहीं हो सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से ललित जी फिर से रेखांकित करना चाहूंगा, आज समय आ गया है त्याग की परिभाषा को ठीक करें।